हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फोटो सेव 7.0 का यूज़ करके सीवी एडिटिंग कर सकते हो। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आप लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप लोग स्किप कर करके देखते हो। तो इसमें आपका प्रॉब्लम है, मेरा कुछ नहीं जाता, तो प्लीज़ आपको वीडियो को एंड तक देखना है। भाई के चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन है तो उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लो। ओके, तो सबसे पहले तो आपको फोटोशॉप अपना ओपन कर लेना है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको तीन लेयर दिख रही हैं। ओके, फोटो आप लोग यहाँ से जाके इंपोर्ट कर लेना। ओके, सो यहाँ से जाके इंपोर्ट कर लेना जो भी ऐड करना चाहते हो। देन फोटो ऐड करने के बाद आपको पेन टूल से इसे इरेज कर लेना। देखिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बैकग्राउंड इरेज का जो अलग टॉपिक होता है, हम सीवी एडिटिंग बात करने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने इसको पहले से ही इरेज करके रखा हुआ है, तो आप क्या करना, बैकग्राउंड को इरेज कर लेना। ओके, तो अगर आप चाहते हो मैं कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर लाऊं कैसे एक फ़ोटो को परफेक्ट तरीके से इरेज करके नए बैकग्राउंड में लगाया जाता है, देन उसे कलर बैलेंस किया जाता है, तो अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। ओके, जितना कमेंट करोगे उसके हिसाब से वीडियो आएगी। तो उसके बाद आपको जैसे कि ये दो लेयर दिख रही होंगी, आप बैकग्राउंड जब इरेज कर लोगे तो आपको इस लेयर को हाइड कर देना है। देन यहाँ से लेना सेलेक्ट टू टूल एंड यहाँ से सेलेक्ट टू कलर लेना। ओके, अब सिंपली सा आपको ग्रीन कलर लेना है, जैसे क्योंकि हम क्या करने वाले हैं कि ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है इसको हम और गाढ़ा बनाएंगे। ओके, सिंपली से हम काम यही करने वाले हैं, हम कुछ इसको गाढ़ा बनाएंगे। अब आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर सकते हो, आपको बस इसको गाढ़ा बनाना है। तो जैसे कि मैं इसको इतना बढ़ा लेता हूँ, देन इसको इतना कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ से येलो कलर लेता हूँ, येलो कलर को मैं इस तरह से बढ़ा देता हूँ, देन इसको इतना, ओके, देन इसको इतना, एंड आप इतना भी रख दोगे ना तो चलेगा, जैसे मैं रख रहा हूँ। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि मेरे जैसे वैल्यूज रखना तो आप इतना भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से ओके कर देना। देन उसके बाद यहाँ से आपको ही सैचुरेशन लेना है। सीवी एडिटिंग है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते चलना, नहीं तो पछताओगे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा देना इस तरह से, देन सैचुरेशन को इस तरह से इतना बढ़ा देना, उसके बाद यहाँ से ओके कर देना। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको मोस्ट पॉपुलर क्रेडिट ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है टेक्सेल ऐप। गाइस, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऐप है। अगर आप इसमें 10 रुपये लगाते हो तो आप 90 रुपये आराम से जाओगे। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली से आप वहाँ से डाउनलोड कर लो एंड साइन इन करके, ठीक है, लॉग इन वगैरह हो जाना। सो आपको ऐप को ओपन कर लेना है, आपको कोई भी यहाँ से नंबर को चूज़ कर लेना है, देन यहाँ से प्रेडिक्ट करना है। सो अगर आपका प्रेडिक्शन सही हुआ तो आपको 9 गुना एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेकआउट करें। सो गाइस, जो आपने लेयर को हाइड किया था, ओके, तो आपको क्या करना है कि इस लेयर को विजिबल करके इस तरह से पकड़ना है, देन ऊपर इस तरह से छोड़ देना। ओके, तो ये लेयर आपका ऊपर चला जाएगा। उसके बाद इस लेयर को आपको हाइड कर देना है। ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, हाइड जैसे आपने कर दिया, उसके बाद आपको जो नीचे वाली लेयर है एक बार क्लिक कर देना है एंड कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई करना है। ओके, एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं ब्लॉग का लिंक नीचे दे दूंगा, आप सिंपली सा उसे पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो जैसे कि आपके पास एक न्यू लेयर आ जाएगा इस प्रकार से। ओके, बैकग्राउंड का, तो उसके बाद आपको जाना है फिल्टर पे एंड यहाँ से जाना टोपाज लैब्स पे। टोपाज लैब्स में बहुत वीडियो बता चुका हूँ कि कैसे करना है इंस्टॉल। आप सिंपली यूट्यूब पे जाना, सर्च करो टोपाज लैब्स फोटोशॉप 7.0 इंस्टॉलिंग, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे डाउनलोड करना है। ओके, उसके बाद यहाँ से जाना टोपज एडजस्ट में। सो गाइस, इतना ओपन होने के बाद आपको यहाँ से जाना है HDR कलेक्शन पे। ओके, देन HDR कलेक्शन लेने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे कि तो आपको क्या करना है कि जैसे कि मैं इसको लेता हूँ। ओके, देन जैसे मैंने इतना ले लिया, देन यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, तो अगर आप इनसे छेड़छाड़ करना चाहे तो कर सकते हो। ये वैल्यूज़ मेरी पहले से ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि जो मैं डेमो फोटो एडिट कर रहा था तो उसमें मेरी वैल्यूज़ यही अच्छी पड़ी हुई हैं। ओके, तो आप वैल्यूज़ इस तरह से देख सकते हो कि मेरे में इतनी इतनी पड़ी हुई हैं, तो आप ठीक है रखना चाहो तो इतना भी रख सकते हो, अपनी फ़ोटो के हिसाब से मैं रखना वो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो उसके बाद सिंपली से यहाँ से मैं डन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इतना हो गया। ओके, उसके बाद जैसे कि मैं लेयर को विजुअल करके देखूं तो कुछ इस प्रकार से है। इस लेयर की बनाना है डुप्लीकेट। ओके, इससे में फ़ायदा क्या है कि अगर इस ये लेयर पे ख़राब हो जाता है कुछ, तो हमारे पास एक बैकअप लेयर रहेगा। ओके, ब्लर पे जाना है, जैसे हम कॉपी करने के बाद उसके बाद गॉसियन ब्लर लेना है। देन गॉसियन ब्लर लेने के बाद आपको इसे मिनिमम अपने हिसाब से रख लेना है, जितने में अच्छा लगे। ओके, तो जैसे कि मैंने इतने पे रख दिया है, सो इतना करने के बाद आपको इस लेयर को जो विजुअल कर लेना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है कि इस लेयर की एक डुप्लीकेट लेनी है। ओके, डुप्लीकेट लेने के बाद
आप चाहो तो ले लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डुप्लीकेट मत लेना। ओके चलिए हम पहले क्या कर लेते हैं कि न्यू लेयर ही लेते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने न्यू लेयर ले ली, इसका फ़ायदा मैं आगे आपको बताऊँगा। ओके जैसे हम क्या करेंगे कि हम इसका शर्ट का कलर जो चेंज करेंगे, तो जैसे कि मैंने न्यू लेयर ले लिया, उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे ब्रश टूल पे। ओके ब्रश टूल लेने के बाद आपको कलर को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं ब्लू कलर को, ये जो ब्लू है ठीक है, तो मैं इसको लेना चाहता हूँ। तो ये लेने के बाद हम क्या करेंगे कि अपने शर्ट पर जो तो पेंट करेंगे। ओके तो अब आप देख सकते हो कि इस तरह से मैं पेंट करूँगा। तो अभी इस वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, ब्रश वगैरह आप लोग अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो, तो जब तक मैं फास्ट कर लेता हूँ वीडियो। सो गाइस जैसे कि मैंने कलर तो कर लिया है ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए बता रहा था, इसलिए परफेक्ट तो नहीं हुआ होगा, बट आप अच्छे से करना, टाइम देकर करना। ओके तो अच्छे से होगा। उसके बाद जैसे ही हो जाए तो आपको इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड जो है तो उसको कर देना है डार्कन पे। ओके जैसे आप डार्कन पे कर दोगे, ये देखना थोड़ा सा एक्स्ट्रा वगैरह आ गया है जो कलर साइड पे, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली सा इसको या तो आप इरेजर ले सकते हो या मास्क कर सकते हो। उसके जैसे कि मैं मास्क कर देता हूँ ब्लैक कलर लेके, यहाँ से इस तरह से इसको हटा देता हूँ। तो आप लोग कर लेना, मैं तो सिर्फ आपको डेमो को लिए बता रहा हूँ। ओके तो जैसे कि ये आपको देख सकते हो कि कलर हो गया। ओके तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो आपका लेयर दिख रहा है ओके, तो आपको इस पर कंट्रोल बटन दबा के एक बार क्लिक कर देना है। ओके तो आपका जो ये लेयर है सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है ह्यू सैचुरेशन पे। ह्यू सैचुरेशन लेने के बाद आपको इसका ह्यू वगैरह थोड़ा सा बढ़ा देना है, सैचुरेशन को इस तरह से बढ़ा देना। ओके ये आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से करिएगा, देन लाइटनेस को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इस कुछ इस प्रकार से अब आप देख सकते हो कि फ़ोटो हमारा कैसा एडिट हो रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दो यार, फटाक से लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ही दमदार एडिटिंग हम लोग करने वाले हैं। तो ठीक है लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है वीडियो। सो इतना करने के बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई करना है ओके, जिससे आपके पास एक न्यू लेयर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जाना है टोपज लैब्स पे, टोपज एडजस्ट पे। सो टोपज जो अपना टोपज एडजस्ट ओपन होने के बाद आपको ये जो फर्स्ट नंबर वाला दिख रहा है एडजस्ट फॉर प्रीसेट ओके, इसको क्लिक करना है। देन यहाँ से लेना है क्लैरिटी ओके। अब क्लैरिटी लेने के बाद अब आप देख सकते हो कि हमारा जो शर्ट था वो कितना क्लैरिटी हो गया, उसमें कितना एग्जैक्ट हो गया। एंड वैल्यू आप लोग देख लो, जो वैल्यू इस तरह से दी हुई हैं यही वैल्यूज आप लोग अपने में डाल सकते हो या फिर डिफ़ॉल्ट ही आपको मिल जाएगी, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया। उसके बाद आपको सिंपली सही से डन कर देना है। तो डन होने के बाद अगर आप चाहते हो कि कलर जो आ गया है चेहरे वगैरह पे, अगर इनको हटाना चाहते हो तो आप सिंपली से क्या करो, मास्क पर क्लिक करो, देन ब्लैक कलर को सिलेक्ट करो एंड ब्रश टूल को लो ओके, एंड यहाँ से इस ब्रश को फेरना शुरू कर दो, जिससे जो आपका चेहरे पर कलर आ गया है वो हट जाएगा, ये सब कुछ हट जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये मेरी जो लेयर है इस पे रहे ओके। तो जैसे कि मैं डिस्कार्ड लेयर मास्क कर देता हूँ तो ओके मुझे अच्छा लग रहा है, बट आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप कर सकते हो। आप देख सकते हो डिटेल कितनी आ गई है फोटो में। सो अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं PNG ओके। सो जैसे कि मैं ओपन पे जाता हूँ, देन यहाँ से एक PNG ऐड करता हूँ। PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको ब्लॉग का भी लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको शॉर्टकट की वगैरह याद नहीं है या फिर सबका समझ नहीं आ रहा तो आप देख लेना ओके। तो आपको क्या करना है, मूव टूल लेना है, इस प्रकार से इस तरह से पकड़ के छोड़ देना है। तो अब इतना छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, Ctrl+T ओके, Ctrl+T करना है, देन इसको यहाँ से इस तरह से बड़ा करना है ओके। देन यहाँ से क्या करना है आपको, इसका जो ब्लेंडिंग मोड है सबसे पहले तो कहीं भी एक बार क्लिक कर देना ओके, देन इंटर मार दीजिए। देन यहाँ से आपको ब्लेंडिंग मोड वगैरह लाइटन पे कर लेना ओके। अब जो लाइटन पे कर दोगे उसके बाद आपको Ctrl+T करना है एंड इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है जहाँ पास भी आप लगाना चाहते हो ओके। सो कुछ इस प्रकार से। सो गाइस अगर आप फेस को स्मूथ करना चाहते हो तो आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, कैसे करना हो सब कुछ बताया गया है ठीक है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसके बाद आपको Ctrl+Shift+Alt+E करना है ओके, जिससे आपके पास एक न्यू कम्बाइन लेयर बन जाएगी। सो जैसे कि आप देख सकते हो कम्बाइन लेयर मिल चुकी है। उसके बाद आपको फिल्टर पर जाना है, देन अदर पर जाना है, हाई पास लगाना है। हाई पास आप लोग देख लो कि कितना लगाना है, मिनिमम आप लोग देख लो, जब आपके एजेस दिखने लगें उतने में आपको हाई पास हमेशा लगा देना ओके। जैसे कि मैं इतना रख के इसे ओके कर देता हूँ। देन ओके करने के बाद आपको ब्लेंडिंग मोड पे जाना है, देन यहाँ से ओवरले कर देना ओके। देन ओवरले ये करने के बाद आपकी जो फ़ोटो है बहुत ज़्यादा डिटेल आ जाती है।
तो देखिए जो ये आपको यहाँ पे साइड में दिख रहे हैं, आप अच्छे से बढ़िया कलर करना तो बहुत ही अमेजिंग कलर आएगा, ओके। और सी बी एडिटिंग आप इस तरह से जैसे कि मैंने की है उस तरह से कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो।